ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਟੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। मैं बिल्कुल कला रह रहा जी, घर आप ही रोटी बना जी, मैं आप ही कपड़े धोना आपदे। कुछ सवारियां भी यह जी आदि ने भी बिच किराया भी नहीं देके जांदियां, क्योंकि मेरे लाचारी का फायदा उठा लैंदियां ने जी। मकान छत डिगन वाली पई है जी, क्योंकि इधर भी पानी डिग रहा हों जी, इधर भी पानी डिग रहा हों, पन्नी लैके पैना पैंदा जी बरसात, या फिर बैठ के रात कढ़नी पैंदी है जी। चंपाल सिंह जी। चंपाल सिंह जी, असीं देखिया तुहाडे हालात बड़े खराब ने, कितना हालात पैदा हो? ये बचपन की मैनू पोलियो हो गया सीगा जी। अच्छा। तो उस तो बाद मेरे डैडी मरन के बाद मैं आटो मेरे डैडी ने लिया सीगा जी, किस्तां ते लिया गया जी। तो उस तो बाद मैं आटो चलाउण लग गया जी, इहदी हुण मतलब किस्त भी नहीं मेरे तो भरी जा सकती। तो मेरे घर के हालात तुहानू पता ही है। तुहाडी फैमिली च कौन कौन ने? मेरी फैमिली दो ब्रदर ने जी, एक मेरी मदर है, डैडी तो गुजर गए, मेरे मदर है जी, मेरे ब्रदर रह रही है जी। मैं बिल्कुल कला रह रहा जी घर। खाना पानी सब आप तैयार? हाँ जी, आप तैयार करना, आप ही रोटी बना जी, मैं आप ही कपड़े धोना आपदे, जो कि मेरी बस हूँ बेवाह हुई पी है जी आटो चलाते। किस्त इन ज्यादा खड़िया ने जी, लॉकडाउन कर लगन करके ये भी मेरे काम कार औखा हो गया थोड़ा जहा। कुछ बसा का किराया फ्री होने करके जिम्मी मेरा काम कार खत्म हो गया जी। कुछ सवारियां भी यह जी आदि ने भी बिच किराया भी नहीं देके जांदियां, क्योंकि मेरे लाचारी का फायदा उठा लैंदियां ने जी। वो उतर के ही भज जाते हैं बिच लोग, यह जे भी ने। तो कुछ लोग चंगे भी होंगे ने, जो कि किराया अपना दे भी जाते हैं, बिना मंगे तो भी दे जाते हैं भी हाँ भी तेरा किराया कि जिमें 10 रुपये बन गया, अगला 20 रुपये भी दे जाता जी, बिच की फायदा भी कर जाते हैं लोग। करजा कि सेरा टूट? मेरे को 3-3.5 लाख रुपये वगू करजा होया पे जी, आटो दई आ, आटो की किस्त भर रहे। उस तो बाद मकान का, मकान छत डिगन वाली पई है जी, हर है जी, हाँ कदम भी डिग सकते जी। वह बरसात वे बड़ा बरसात वेले जी पन्ना लैके पैना पैंदा जी आपके मकान च, क्योंकि इधर भी पानी डिग रहा हों जी, इधर भी पानी डिग रहा हों, पन्नी लैके पैना पैंदा जी बरसात, या फिर बैठ के रात कढ़नी पैंदी है जी। मैं सरकारां तो जी हुण मैनूं कोई उम्मीद नहीं हैगी भी मेरा कोई मकान जां मेरे कोई हैल्प करूगी। हुण तो जी मैनूं इन्हां वीरां ते भैणां ते इन्हां वीरां ते सारिआं ते उम्मीद है भी इह शायद मेरी कोई मदद करन, क्योंकि इक वारी सारे बंदे आ के मेरा घर वेख गए ने, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी जी। हाँ जी हाँ, मैं अपना मेरा मोबाइल नंबर है जी 97-76-966-61-100 जी, 93-100 जी। एक बार फिर रिपीट कर दो, 97-966-61-100 जी, 93-100 जी। सर एक ये चमकौर सिंह है, रोज़ बेचारा गरीब बंदा, इहदी सरकार नूं वध तों वध मदद करनी चाहीदी है, इहनूं बेचारे नूं पोलियो होया होया भी गरीब बंदा है, भी वध तों वध मदद करो सारे जिन्ने नौजवान ने। इन्हां दे हालात, घर दे हालात कितने खराब ने? काफ़ी इन्हां दे घर दे हालात भी बहुत खराब ने, कई बार बुखार जां कोई होर हो जाए इहनूं कल्ले नूं बहुत दिक्कत आउंदी है जी, जे रोटी राटी भी आपे बणाउंदा जी। सारे नौजवानां ते सारे पंजाब वासियां नूं बेनती है भी ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਾਰੀ ਸਵੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਜੋਗਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾਊਗਾ ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ, ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ।